हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन मेकअप ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी है, जिसे आप बहुत आराम से कर लीजिएगा। भाई, रक्षाबंधन है और हम खूबसूरत ना दिखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, जो मैं आपको मेकअप बता रही हूँ, फटाफट से आप इसे कर लीजिए और सबसे खूबसूरत भाई वाले इस त्यौहार पे आप दिखोगे और आपकी फ्रेंड्स आपसे पूछती ही रह जाएंगी कि भाई आपने ये मेकअप कैसे किया, इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही हो। तो बस उन्हें भी जलाइए और ढेर सारे गिफ्ट पाकर खुश हो जाइए अपने भाइयों। तो इस मेकअप को शुरू करने के पहले सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद, चूँकि चेहरे पे बाल ना है इसलिए आप अपने बालों को अच्छे से साइड में पोनी बना लीजिए, क्लचर कर लीजिए, मैंने कर लिया। उसके बाद आपको करना ये है कि आप अपने चेहरे पे आप जो भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं ना, उसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगाकर 2-3 मिनट तक मसाज कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। देखिए, उससे क्या होगा, आपके मेकअप बहुत ज़्यादा निखर के आएगा। रिलैक्स होकर मेकअप करने बैठिए आप, अगर आपको बहुत ही खूबसूरत बेस चाहिए तो। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अच्छी तरह से मैं मसाज कर रही हूँ। मैं 5-10 मिनट मेकअप करने के पहले मॉइस्चराइज़र लगा कर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं मेकअप करती हूँ। तो मैंने मेकअप करने के पहले अच्छी तरह से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और मॉइस्चराइज़र करने से एक फ़ायदा और ये होता है ना कि आपका जो फाउंडेशन या जो भी आप बेस लगाओगे ना, वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है आपके चेहरे पर। कहीं भी वो जमा हुआ, कहीं कहीं आप देखिए तो धब्बे टाइप के दिखते हैं ना मेकअप, वो चीज़ नहीं होती है। इसलिए आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। मॉइस्चराइज़र के बाद आपको अपने चेहरे पर प्राइमर ज़रूर लगाइए, प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने से क्या होगा कि आपके जो पोर्स वगैरह अगर ओपन हैं, बड़े दिख रहे हैं, तो प्राइमर उसे अच्छी तरह से फील कर देता है, वो नहीं दिखते हैं और मेकअप बेस बहुत अच्छे से लगता है। आपके पास जो भी प्राइमर है आप लगा लीजिए। फिर आप फाउंडेशन लगा लीजिए जो आपके चेहरे से बिल्कुल मैच करता हुआ हो। अगर 1-2 शेड्स ऊपर नीचे हो तो भी कोई बात नहीं, आप उसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पर ब्लेंड कर लीजिए ब्रश से, या फिर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर हो तो उसे अच्छी तरह से पानी में डालिए, निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद 1-2 मिनट के बाद उसे ब्लेंड कर लीजिए, तो उससे बहुत ही अच्छी तरह से आपके मेकअप जो बेस है वो ब्लेंड होगी। तो मैंने इस तरह से डॉट डॉट करके लगा लिया, अब इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप अपने ईयर्स को और जो नेक है उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपको वहाँ भी बेस को लगाना है, सबको इक्वल आपको ब्लेंड करना है। नहीं तो क्या होता है कि आपका चेहरा एकदम वाइट दिखेगा और नेक ईयर्स वगैरह थोड़ा सा आपके डाउन दिख सकते हैं। तो इसलिए आप हर जगह पे फाउंडेशन को लगाइए जो जो भी ओपन एरिया है। अब हम कंसीलर लगाएंगे, तो आपके जो चेहरे की हाई पॉइंट्स है ना, उस जगह पे आपको कंसीलर को लगाना है। देखिए, मेरे आईज़ के अराउंड किसी तरह का कोई डार्कनेस नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो सिर्फ मैं अपने हाई पॉइंट्स को जो है उसे हाईलाइट करूँगी। तो मैं उसी जगह पर ही कंसीलर को लगाऊँगी। तो लगा कर फिर उसे आपको ब्लेंड करना है। याद रखिए कि आपको सिर्फ अपने पूरे चेहरे पर ब्लेंड नहीं करना है, आपके जो चेहरे की हाई पॉइंट्स है भी सिर्फ आपको उसी को हाईलाइट करना है। आप नोज़ पे लगा सकते हो, अपने चीक पे लगा लीजिए, चिन पे लगा लीजिए, थोड़ी सी फोरहेड पे में भी मैं लगाऊंगी क्योंकि मैं उसे भी हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो इन जगहों पर लगाइए और सिर्फ उसी जगह पर आपको उसे ब्लेंड करना है। चेहरे के जो कुछ एरिया जो हाईलाइट जिसे हम करते हैं, जो हाई पॉइंट्स होते हैं, अगर उसे आप कर लेते हो तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है, चेहरा बहुत ही प्यारा प्रिटी आपका दिखने लगेगा। अब हाई पॉइंट्स को तो आपने हाईलाइट कर लिया, फिर आप क्या करोगे, तो जल्दी से फटाफट से आप उन जगहों को पैक कर दीजिए, लूज़ पाउडर है उससे कर दीजिए या कॉम्पैक्ट है जो भी है, ताकि क्रीज ना पड़े। तो मैं पैक कर ली हूँ। उसके बाद फिर हम करेंगे कॉन्टोर। अब देखिए, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हमारा चेहरा एकदम फ्लैट दिखने लगता है। भाई, स्ट्रक्चर तो कुछ पता चलना चाहिए ना, तो फिर आप कॉन्टोर को कीजिए। आपको कॉन्टोर उन जगह पर करना है जहाँ की आपकी ज़रूरत है। तो मुझे जिन जिन जगहों पे कंटूरिंग की ज़रूरत है, मैं उस जगह पर, शुगर का मेरे पास ये कॉन्टोर है तो मैं उससे कर लूँगी। इससे एक तो ये होता है कि चेहरा बहुत ज़्यादा, आपका जो चेहरे के स्ट्रक्चर है वो पता चलने लगेगा और बहुत ही खूबसूरत आप दिखोगे। इसलिए आप कॉन्टोर भी ज़रूर कीजिए, एकदम हल्की कीजिए। तो मैं कर रही हूँ कॉन्टोर।
फिर अपने गालों को भी तो भाई दिखानी है, एकदम एप्पल की तरह पिंक पिंक रेड रेड, कितनी खूबसूरत लगती है ना। अगर आपके गाल पिंक पिंक दिखे तो बहुत ज़्यादा आपको पोतना नहीं है, एकदम हल्की लेकर मैं एक पीच कलर का कलर ले रही हूँ, उससे मैं अपने गालों पे हल्के ब्रश की हेल्प से हल्के सी लगा ले रही हूँ ताकि वो सिर्फ पिंक दिखे, बहुत ज़्यादा पोतना नहीं है आपको, ठीक है, आपको बिल्कुल हल्का लगाना है। फिर मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, मैं अपने दोनों गालों पर हाइलाइटर लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं नोज़ पे लगाऊंगी, थोड़ी सी मैं फोरहेड पे भी लगाऊंगी। तो जो जो जगह मुझे हाइलाइटर करना बहुत पसंद है, तो जहाँ जहाँ भी आपको हाइलाइटर करने हैं उन जगहों पे आप हाइलाइटर कर लीजिए। हाइलाइटर के बाद आपका मेकअप और भी खूबसूरत दिखने लगता है। आप देख रहे हो कि मैं बहुत सा मेकअप अपने हाथों से ही कंप्लीट कर रही हूँ। आप अपनी फिंगर से भी बहुत अच्छी तरह से अपने मेकअप को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रश ही चाहिए, पैसे जब बहुत ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने करने के बाद फिर आपको अपने मेकअप को सेट करना है। होता क्या है कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने के बाद हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा पाउडरी पाउडरी लगता है, भूरा भूरा से हम दिखने लगते, बिल्कुल भूरी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसलिए आपको फिक्सर ज़रूर इस्तेमाल करना है। मेकअप करने के बाद आप अपने मेकअप को ज़रूर फिक्स कर लीजिए। अब हमारा चेहरे का भी मेकअप कंप्लीट हो गया, अब हम अपने आईज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आईब्रो को अच्छी तरह से कॉम कर लीजिए, उसके बाद आईब्रो में बिल्कुल हल्की हाथों से आपको आईब्रो पेंसिल से काजल को अप्लाई, आप कोशिश करो कि ब्लैक कलर ना लेके ब्राउन कलर ले लीजिए। ब्राउन कलर से, अगर ब्राउन कलर का आपके पास आईब्रो पेंसिल ना हो ना, तो आप आई शेडो पैलेट से भी ब्राउन कलर पिक कीजिए और उससे भी इस्तेमाल कीजिए। वो बिल्कुल आपका नेचुरल लगना चाहिए, एकदम पोता हुआ नहीं। उससे क्या होगा, कोई बिल्कुल भी आपका नेचुरल नहीं दिखेगा, बहुत गंदा दिखेगा, तो भाई नेचुरल तो दिखाना है। अब हम आई मेकअप करेंगे, तो आई मेकअप करने के लिए मैंने एकदम हल्की ब्राउन कलर लिया है, उसे अपने आउटर कॉर्नर पर मैंने रख कर उसे अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। आपको खूब अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में आप जितना ज़्यादा समय देंगे ना, उतना ही अच्छा आपको ब्लेंडिंग मिलेगी और आपकी आईज़ खूबसूरत लगेगी। बहुत अच्छे से टाइम देना है, ब्लेंड करना है, उसके बाद फिर हम दूसरा कलर लेंगे। तो मैंने एक पतली ब्रश से, जो मैंने पहले वाली कलर ली थी उससे थोड़ा सा डार्क एक कलर लेकर, और उसे मैं अपने इनर कॉर्नर पर रख कर उसे भी अंदर की तरफ, आपको आउटर कॉर्नर की तरफ उसे लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, पहली वाली जो आपकी ब्रश है ना, उसे लेकर दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए, आपस में स्मच हो जानी चाहिए। दोनों कलर एकदम आपको अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, अच्छी तरह से दोनों को स्मच कर लीजिए। उसके बाद आप फिंगर पे कोई भी सिल्वर कलर हो, गोल्ड कलर हो, जो भी हो वो ले लीजिए और अपने आईज़ के एकदम सेंटर में, बीच में लगा लीजिए। तो बस आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका आई मेकअप बहुत ही खूबसूरत आपको दिखने लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद जो मैंने डार्क कलर ऊपर में लगाया हुआ था ना, उसे ही आप अपने आईज़ के नीचे भी ज़रूर लगाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर में लगा लिए और नीचे में आप छोड़ दीजिए, नहीं, आपको नीचे में भी ज़रूर कलर को लगाना है। दोनों एकदम एक जैसा दिखता है तो आईज़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने नीचे में भी पतली ब्रश से लगा लिया है, दूसरी आईज़ पर भी मेकअप करके उसे भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब मैं फिंगर पे ही एक सिल्वर कलर लेकर अपने आईब्रो को ठीक नीचे में आपको उसे हाईलाइट करना है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए और कीजिए, तो देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और फिर आप अपने आईज़ के इनर में भी ज़रूर हाइलाइटर को लगाइए। अब हम आईलाइनर लगाएंगे। आप अपने दोनों आईज़ पर आईलाइनर लगा लीजिए। कोशिश करें आईलाइनर आप थोड़ी सी मोटी लगाइए, उससे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद फिर मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा की आप मोटी कोटिंग करें, उससे आपकी आईज़, अगर फेक लेसेस भी आप नहीं लगाते हैं ना, फिर भी आपकी आईज़ बहुत बड़ी बड़ी और खूबसूरत दिखेगी। फिर उसके बाद हम लास्ट में अब अपने होठों पर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो लिपस्टिक लगाने के पहले आप लिप लाइनर ज़रूर लगाइए। तो मैं लिप लाइनर से अपने होठों को अच्छी तरह से एक शेप दूंगी, उसके बाद उसी लिप लाइनर से ही मैं अपने होठों पर उस कलर को फिल करूंगी। उसके बाद फिर मैं एक न्यूट कलर लेकर अपने होठों पर लगा लूँगी। तो इस तरह से मेरा लिपस्टिक भी कम्प्लीट हो जाता है। फिर मैं आप लास्ट में आप लोगों को बिंदी लगाकर अपनी ज्वेलरी और दुपट्टा लेकर आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है। सिल्वर ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है और रेड दुपट्टा मैंने लिया है।
तो गाइस देखा आप लोगों ने कितनी सिंपल कितनी इजी से आप रक्षाबंधन में इस तरह से तैयार हो सकते हो। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी सिंपल सा मेकअप लुक बनाकर दिखाया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।